मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली अष्टो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं दैनिक राशिफल के बारे में। तो मेरा सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा जय माता दी। मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के लोगों के लिए सकारात्मक दिन रहने वाला है। पुरानी बातों को खुद से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस से आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी खास काम के लिए आपकी डिमांड हो सकती है दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, कोई भी काम पूरा करने के लिए दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ सकती है। गोचर में कुंडली के बारे भाव में चंद्रमा के कारण कुछ मामलों में परेशानी भी हो सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, क्या करें, पराठे पर थोड़ी सी हल्दी और शक्कर डालकर गाय को खिलाएं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, अब हेल्थ की बात करते हैं तो पुराने रोग भी बढ़ सकते हैं, एलर्जी भी हो सकती है, तो आपने अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। तो पैसे के मामले में खुद पर भरोसा रखना होगा। लोगों के सहयोग से आज आपको फायदा होगा। अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है। वाहन सुख के योग हैं। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। आज आपको आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं के इशारे मिलेंगे। कागजी काम, बातचीत और यात्राएं आसानी से निपट जाएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, शारीरिक मानसिक शांति आपको मिल सकती है। वृषभ राशि के लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी जीभ पर थोड़ा सा शहद लगाएं, आपको अत्यंत लाभ होगा। हेल्थ की बात करें तो सेहत के नज़रिए से आपका समय सामान्य कहा जा सकता है। आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग अगली राशि जो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज कोई बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। किए गए कार्य से आपको फायदा होगा। जो काम आज समझ नहीं आया उसे छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। अधिकारियों से मदद मिलेगी। सामाजिक तौर पर आप एक्टिव हो सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात होने की संभावना है। नए दोस्त बनेंगे। किसी व्यक्ति के बारे में सोच भी बदल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कोई बड़ा काम भी आपको मिल सकता है। क्या करें दोस्तों, पैसा रखने की जगह पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। सेहत पुराने रोगों को बढ़ाने की संभावना है। ज़्यादा भोजन ना करें, अपच होने का कारण बन सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन किस्मत के साथ आया है। नौकरी पेशा लोगों को आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। कारोबार की स्थिति भी अनुकूल होने की संभावना है। आपके कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किए गए कार्यों में से धन फायदा हो सकता है। नए अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं। आप अपने काम के अधिकारियों को खुश कर सकते हैं। आपको अपने गोचर की बात भी पता चल सकती है। कुछ एक गोपनीय बात भी मालूम पड़ेंगी। आप खुश होंगे। पैसे की समस्या भी समाप्त होगी। शारीरिक संतुष्टि भी आज प्राप्त होगी। मेरे प्यारे मित्रों, क्या करें, गाय को हरी सब्जी और रोटी खिलाएं। सेहत की बात करें तो सेहत सामान्य रहेगी। बदन दर्द या पुरानी तकलीफ आज बढ़ सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सी सेहत पर आपने ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सितारों की स्थिति ठीक ठाक ही है। पुराना काम निपटने से कोई बुराई नहीं है। सेहत से जुड़ी परेशानियां कुछ कम होने की संभावना है। नए लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। नए अनुभव हो सकते हैं। आप कुछ नई चीज़ समझ सकेंगे। उलझे हुए मामले सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ मिलकर आप चलेंगे। क्या करें, अपने से निचले स्तर के लोगों का दिल ना तोड़ें। मेरे प्यारे मित्रों, अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि के दोस्तों के लिए आज का दिन धन लाभ, पुराने सौदों से फ़ायदा, रोज़मर्रा के काम से समय पूरा हो सकता है। बिजनेस से दूर स्तर से संबंधित कार्य या लंबे समय से निवेश से कोई फ़ायदा होगा। पुराने अटका हुआ पैसा भी मिलने के योग हैं। कोई बड़ा फैसला लेने के कारण आज आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। भरोसेमंद लोगों से सलाह जरूर लें। जीवन साथी को समय अवश्य प्रदान करें। सेहत की बात करें तो सेहत के मामले के लिए दिन सामान्य रहेगा। चोट भी लग सकती है। उपाय है, सरकारी अधिकारी या किसी बड़े को मिठाई खिलाएं। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए रोजगार पर ध्यान दें।
काम का तरीका बदलने के लिए मन बन सकता है। रोज़मर्रा के कुछ काम भी आज पूरे होंगे। कोई भी काम प्रोफेशनल कैसे करने की कोशिश करें, समय पर ऑफिस पहुंचने की कोशिश करें और कामकाज से किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। उपाय है दोस्तों, हाथ की छोटी उंगली पर चंदन लगाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो दिन समान रहेगा, खान पान पर ध्यान दें। अब बात करेंगे दोस्तों वृश्चिक राशि की, तो आज का दिन बिजनेस से रिस्क लेने की कुछ हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अचानक धन के लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी या बिजनेस से धन लाभ होगा। पेशे के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। काम समय पर निपटेगा। कोशिश करें किसी भी तरह की लिखित काम को आप आज संभल बूझ कर करें। आज बनाई किसी बड़े काम की प्लानिंग से आपको आने वाले दिनों में सफलता प्राप्त होगी। उपाय है आज ब्लू कलर के बेडशीट, टेबल क्लॉथ या चेयर कवर यूज ना करें। सेहत की बात करें तो पुराने रोग से परेशानी हो सकती है, दर्द या जलन होने की संभावना है। अब बात करेंगे दोस्तों धनु राशि की, किसी महत्वपूर्ण नज़दीकी रिश्ते से हलचल हो सकती है। खर्च करते समय खुद पर नियंत्रण रखें तो फायदा में रहेंगे। पैसा कमाने के कई नए मौके अचानक आपको मिल सकते हैं। नया पार्ट टाइम काम भी आपको मिल सकता है। पुरानी चीज़ें बेच सकते हैं। परिवार और संतान की ज़रूरतों को आप ध्यान दें। परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें। भौतिक सुख भी बढ़ेंगे। काम काज करने के तरीके में बदलाव लाएं। दोस्तों आज का उपाय है दो लौंग और दो चीकू से काट कर घर को बाहर फेंक दें, घर से बाहर फेंक दें। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुराने चल रहे मामलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। साथ ही साथ आज आपको कुछ भावुक हो सकते हैं। खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। प्रसन्न रहें और दूसरों को भी खुश रखें। परिवार के मामलों में आज आप बहुत अच्छे फैसले लेंगे। आज किए हुए ज़्यादातर काम पूरे भी होंगे। सुख और आनंद आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। उपाय है कच्चे दूध में पीले फूल की पत्तियां डालकर पीपल के जड़ में चढ़ाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जिसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हों। आज आप समस्याओं पर खुली भाषा बात कर सकते हैं। सफलता मिल सकती है। परिवार से सहयोग भी मिल सकता है। योग बन सकते हैं। रिश्ते से अच्छी खबर मिलने के पूरे योग हैं। कुछ लोगों को कॉपी आज आपको कर सकते हैं। आप कई तरह की चीज़ों में व्यस्त रहेंगे। उत्साह और पूरे जोश से काम करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए उपाय है 3 बादाम मीठे तेल में गीला करके उसे घर से बाहर फेंक दें। सेहत मानसिक तनाव रहने की संभावना है। अब बात करेंगे मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए आज प्रभावशाली और बड़ा पद को मिलने की संभावना है। ऑफिस में प्रसन्नता और अपनेपन का भाव आपको महसूस होगा। पैसे की स्थिति पर विचार करें और भविष्य में की योजनाएं बनाएं। साथ ही लोगों के खुशी कुछ और पैसे पर भी खर्च कर सकते हैं। आज आपको जो अनुभव हो वह आने वाले दिनों में आपके लिए मददगार साबित होगा। ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। किसी दोस्त के साथ आपके संबंध और किसी अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी भी गंभीर मसले पर विचार विमर्श कर सकते हैं। दोस्तों आज का उपाय है भैरव या मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक अवश्य लगाएं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सर्च करें।